नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। चार दिवसीय लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत 17 नवंबर से हो जाएगी। 18 नवंबर को खरना, 19 नवंबर को डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और इसके अगले दिन यानी कि 20 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। छठ पर्व को लेकर राजधानी पटना में पुरजोर तरीके से तैयारियां की जा रही है। एक तरफ जहां तेजी से छठ घाटों को तैयार किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सूप, दौरा, नारियल और पूजा की तमाम सामग्रियों से दुकानें सज गई हैं। ऐसे में अब छठ व्रतियों की सुविधा को देखते हुए प्रशासन की ओर से ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव कर दिए गए हैं। दरअसल 19 और 20 नवंबर को पटना के ट्रैफिक रूट में बदलाव किए गए हैं। 19 नवंबर को दोपहर 12 बजे से शाम के 7 बजे तक और 20 नवंबर को सुबह 2 बजे से रात के 8 बजे तक वाहनों के परिचालन के लिए बनाई गई व्यवस्था लागू रहेगी और इसके बाद पहले की तरह ही जो ट्रैफिक व्यवस्था है वह सामान्य हो जाएगी। बता दें कि पटना के अधिकांश घाट अशोक राजपथ से सटे हुए हैं, इसलिए कारगिल चौक से पूरब अशोक राजपथ होते हुए दीदारगंज तक किसी भी प्रकार के वाहनों का परिचालन नहीं होगा। साथ ही सभी एंट्री पॉइंट भी बंद रहेंगे। केवल खजांची रोड से पटना कॉलेज और साइंस कॉलेज परिसर में वाहनों के पार्किंग के लिए केवल छठ व्रतियों के वाहनों का परिचालन होगा। पहली अर्घ के दिन 2 बजे दिन से शाम 5:30 बजे तक और पारण के दिन 3 बजे सुबह से 6 बजे तक दीघा मोड़ से आशियाना मोड़ तक वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर किन किन रूटों में परिचालन बंद रहेंगे। जेपी सेतु पर 19 नवंबर को 2 बजे दिन से 6:30 बजे शाम तक, सोनपुर और छपरा से पटना की ओर शाम 5 बजे से 7 बजे तक, पटना से सोनपुर या छपरा की ओर वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी। जबकि 20 नवंबर को 3 बजे सुबह से 6 बजे सुबह तक सोनपुर या छपरा से पटना की ओर और 6 बजे सुबह से 8 बजे सुबह तक पटना से सोनपुर या छपरा की ओर वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। रामजी चक ROB ऊपर से मात्र छठ व्रतियों के वाहनों को जेपी सेतु पर आने की अनुमति होगी और इन वाहनों की पार्किंग रामजी चक के ऊपर कराई जाएगी। रूपसपुर नहर रोड से जेपी सेतु आने वाले सामान्य वाहन रामजी चक ROB के ऊपर न चढ़कर नीचे से जेपी सेतु जा सकते हैं। 19 नवंबर को 11 बजे सुबह से 2 बजे दिन तक और 20 नवंबर को सुबह 2 बजे से 9 बजे सुबह तक की अवधि में अटल पथ से जेपी सेतु और सोनपुर की ओर सामान्य वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। वहीं हम आपको अब ये भी बता देते हैं कि आखिर किस किस रास्ते पर वाहनों का परिचालन जारी रहेगा। दरअसल गाय घाट की ओर जाने वाले वाहन पुराने बाईपास और न्यू बाईपास से सीधे धनुकी मोड़, शीतला माता मंदिर अथवा बिस्कुमान गोलंबर से गाय घाट की ओर जा सकते हैं और नजदीक के पार्किंग स्थल पर वाहनों को पार्क कर सकते हैं। गाय घाट पुल नीचे से परिचालित होने वाले ऑटो और अन्य व्यावसायिक वाहन 19 नवंबर को दोपहर 12 बजे और 20 नवंबर को 10 बजे सुबह तक की अवधि में गाय घाट पुल के नीचे ऑटो और अन्य व्यावसायिक वाहनों के आने पर रोक रहेगी। वहीं बाईपास थाना मोड़ से चौक शिकारपुर ROB होकर छठ व्रतियों के वाहनों को छोड़कर सभी प्रकार के व्यावसायिक वाहन का प्रवेश वर्जित रहेगा। चौक शिकारपुर ROB से पूरब मोर्चा रोड और पूरब दरवाजा की ओर जाने वाले छठ व्रतियों के वाहनों को गुरु गोविंद सिंह ROB के नीचे और पटना साहिब स्टेशन के पास पार्क कराया जाएगा। वही न्यू बाईपास करमली चक मोड़ से पटना सिटी आने वाले सभी प्रकार के वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। दीदारगंज से अशोक राजपथ में सभी प्रकार के व्यावसायिक वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। तो कुछ इस तरह से जो पटना की ट्रैफिक व्यवस्था है वह 19 और 20 नवंबर को रहेगी।
तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बिहार झारखंड से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दर्श न्यूज के साथ।